Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys आज हम एक बारी फिर से खेलने वाले हैं Roblox के अंदर हमारी कार शोरूम वाली गेम। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब को बटन दबाना मत भूलिएगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो। और guys हमें चपाती बाइक को 10 मिलियन की रेस में बीट भी करना है तो प्लीज सब्सक्राइब को बटन दबा दीजिए। और वैसे यार हमें चपाती बाई को याद तो कर लिया है और वो है कहाँ पे यार? guys आज मुझे उनको दिखाना है कि मेरे कन्वेयर के अंदर से कैसे खतरनाक फरारियां निकल रही हैं। क्या बात कर रहा है? अरे आप सुन रहे हो क्या? वो रहा गाइस चपाती बाई का बेस। तू किधर है? ये रहा बिल्कुल आपके सामने, मैं आपको यहाँ से देख रहा हूँ। मैं अभी अपनी गड्डी लेके आता हूँ यार। आ जाओ आ जाओ, वाली गड्डी आ रही है। मुझे पता है भाई, सुपर फास्ट वाली। मुझे पता है जो गड्डियाँ मेरे पास है वो आपके पास तो कभी आ ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं आ सकती। भाई साहब तूने क्या बना कर रखा है अपना गैरेज? देख रहे हो ना भाई, मुझे पता नहीं आप सार्कैज़म में बोल रहे हो या असली में बोल रहे हो। सीरियसली भाई ये देख लो, लाइन में फरारियां खड़ी है। कितनी है? 1 2 3 4 अरे 7 फरारियां खड़ी है भाई, 7 फरारियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर मैं फरारी के सामने देखूं तो यहाँ पर हमारी लक्जरी बेंटली भी खड़ी हुई हैं। माय गॉड भाई तेरे पास तो अंधा पैसा आ चुका है यहाँ पर। और ये देख तेरा लौंडा जी वैगन बेच रहा है यहाँ पर, वो देख ले। ये टिंडल ऐसे ही रखे हुए हैं, उठा लो। देख रहा भाई 5 वो वही भाग गया, वो और पैसा कमाने लेकर आ रहा है भाई। और ये देखो 5.3 मिलियन अभी यहाँ पर हो चुके हैं। आई डोंट थिंक तू पैसे ले सकता है, लेकिन ले सकता हूँ अगर मैं 500 के पास जाऊँ। और यहाँ पर ई दबाओ तो ये देखो अपने अकाउंट के अंदर 5.3 मिलियन डॉलर्स भी अभी आ चुके हैं। या तो ये गाड़ियाँ बेच रहा है या तो चोरी करके भाग रहा है भाई। ये देखो हमारी 4 सुपर कार भी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। तो, अब तेरे पास पैसे कितने हैं ये बता। सबसे पहले हम इसको भी एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे भाई। ये है मेरी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ी। ये तो लिटरली तूने मेरे को स्कैम हो गया, मजा आया। अरे कोई बात नहीं भाई, हमारे पास पैसा तो बहुत ज्यादा है। और अभी मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत मटेरियल भी उठाना है और इसको डालना सीधा यहाँ पे। ये लिटरली गाइस मेरे को बता रहा हूँ आपको, मेरे को हाईपिक्सल वाली याद आ चुकी है। जैसे मैं हाईपिक्सल की गेम लगा के मंगलुओं को लूटता हूँ ना, ये भी भाई वही काम कर रहा है, वही चल रहा है, बंदे को लूट रहा है वहाँ पर। मैं तो हाईपिक्सल में भी सबसे रिचेस्ट था। ओके एनीवेज चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके अभी तेरे को फरारियां बेचनी है और मेरे को देखना अभी तेरे पास पैसे कितने हैं ये तो बताना भाई। मेरे पास पैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 मिलियन डॉलर आ चुके हैं। और आज मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है, आज मुझे ये सारे पैसे यहाँ पर उड़ाने हैं। क्या बात करो, तेरे पास 100 से भी ज्यादा पैसे आ चुके हैं मैन। तो और ऑल्सो मुझे आपको एक और चीज भी दिखानी है। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने बोल के रखा था कि ये जो डेली रिवॉर्ड में एक्सक्लूसिव गाड़ी आती है हम इस वीडियो में वो भी खरीदेंगे। और मेरे पास एक्चुअली वो गाड़ी अभी आ भी चुकी है, वो एक्सक्लूसिव खतरनाक वाली। एक बार मैं यहाँ पर स्पॉन करता हूँ और ये रही हमारी खतरनाक एक्सक्लूसिव गाड़ी। और इसको मैं अंदर कन्वेयर के ऊपर भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है। आखिर मैं चेक करूंगा कि तेरी एक्सक्लूसिव गाड़ी कितनी फास्ट है, ठीक है ना? ये तो आज हम टेस्ट करेंगे कि क्या डेली रिवॉर्ड वाली गाड़ी अच्छी है या हेलोवीन स्पेशल वाली। लेकिन एनीवेज चलो उसको छोड़ते हैं और आज अभी मैं आपको फरारी की प्राइस दिखाता हूं। ये देखो 370,000 भाई, तो मोटा माल कमा रहा है यार यहां पर। तो इसको भी एक्सेप्ट करो, इसको भी और इसको भी एक्सेप्ट करो। देयर वी गो भाई, एक ही सेकंड में 3 मिलियन डॉलर्स मेरे पास आ चुके हैं। और अभी तक तो हमने ये बेंटलीज भी एक्सेप्ट नहीं की हैं। ये और महंगी बिकती है, स्कैम हो गया। हां ये और महंगी बिकती है क्या? अरे भाई सिर्फ 50,000-60,000 डॉलर का सिर्फ फर्क है यहां पे। ओके तो भाई 4 गाड़ियां लॉगी की भी बची हुई है भाई। मैं पैसे की तरफ लॉगी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ तो तेरे पास 113 मिलियन आ चुकी हैं। ओ भाई मैं लिटरली यहाँ पर गेम का सबसे रिचेस्ट बंदा बन चुका। और सुनो जाओ भाई अंदर कन्वेयर के ऊपर माल नहीं है, जाओ माल डालो। अबे मेरे से काम मत करवा, चल अभी तेरे को ना अपना ये वाला कन्वेयर भी जो है एकदम मैक्स लेवल पर लेके जाना, ठीक है? मेरे पास तो यहाँ पर पार्किंग लॉट भी नहीं है यार। ये देखो भाई मेरा एक पार्किंग स्पॉट यहाँ पर मिसिंग है यार। मतलब तू एक फरारी और बेच सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम वो भी खरीदेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पहले जाना है मटेरियल के पास और यहाँ से मुझे उठाना है सारा मटेरियल और इसको डालना है सीधा कन्वेयर के अंदर। और तेरी यार यहाँ पर ग्लास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो एक काम करते हैं यहाँ से ग्लास उठाते हैं और हमारा प्रीमियम ग्लास बिल्कुल जाएगा कन्वेयर के अंदर। अरे क्या पैर रख रहे हो कन्वेयर के अंदर ब्रो, ड्रिल लग जाएगी पैर के अंदर, ध्यान से। मेरे कुछ नहीं होने वाला, तो काम कर चल। यहाँ से भी उठाओ, यहाँ से भी उठाओ और थोड़ा बहुत ग्लास मुझे डालना है इसके अंदर और थोड़ा बहुत जाएगा इस वाले के अंदर। ओके तो इस वाले के अंदर गाइस तेरी बन रही है बेंटली वगैरह, ठीक है लग्जरी वाली। इस वाले के अंदर बन रही है फरारी, तो फिर ये एक और अपग्रेड किस लिए है यहाँ पर? यहाँ पर वो अगली बिल्डिंग के लिए है भाई, हम अगली बिल्डिंग भी यहाँ पर खरीदेंगे इस वीडियो में। ओके लेकिन वो वाली बिल्डिंग खरीदने से पहले तेरे को ये वाला जो है स्टेडियम अपना जो तूने खोल कर रखा है इसको मैक्स आउट करना है। भाई स्टेडियम नहीं है अभी, जो कूड़ेदान तूने खोल कर रखा ना जिसके अंदर तू गाड़ियां बनाता है, इसको मैं अभी भी खरीद सकता हूँ। खरीदियो। ओके आ जाओ अभी खरीदेंगे 6.7 मिलियन डॉलर की अगली बिल्डिंग है, आ जाओ खरीद लेते हैं। ये तो तेरे
लिए एकदम से चिल आ रहे हैं। और कन्वेयर देख रहे हो कितना महंगा है भाई, $38.6 million। इसको लेकिन हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मुझे सिर्फ इस कन्वेयर के अंदर थोड़ी बहुत और गाड़ियां खरीदनी है। और $4 million खर्च के अभी हमने अपना पार्किंग लॉट भी यहाँ पर बढ़ा लिया है। देर वी गो, मोटा खर्चा कर रहा है यार। ओके, अभी तेरे पास नेक्स्ट वाली गाड़ी कौन सी आ चुकी है? नेक्स्ट गाड़ी लेते हैं। ये देखो भाई क्या क्या गाड़ियां यहाँ पर आ रही है मेरे पास। अभी उसके बाद मार्टिन भी आ चुकी है, उसके बाद पोर्शे आ रही है। ये आज एक काम करते हैं, पोर्शे ले लेते हैं। उसके बाद देखो भाई GT3 ये ले, ये ले प्लीज, ले 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 ये वाली GT3। आओ GT3 हमें भाई लेनी पड़ेगी, एंड्रू टेट वाली बुगाटी अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। अभी यहाँ पर बुगाटियां बनने वाली है क्या भाई? सब सेल्समैन कितना महंगा है भाई यहाँ पर। गाड़ियां भी तो देखना कौन सी बेचने वाला, बुगाटियां बेचेगा वो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ की क्यों ना मैं यहाँ पर रीस्टॉकर ले लूँ। उससे क्या होता भाई, ये अगर मैंने यहाँ पर रीस्टॉकर ले लिया तो ये अपने लिए यहाँ से माल उठाएगा और सीधा कन्वेयर के अंदर डालेगा, तो मेरा काम एकदम से सिंपल हो जाएगा। क्योंकि बिट तो एक्सेप्ट करना एकदम से भाई 2 सेकंड का जॉब है। मैंने भी नोटिस किया कि जो सेल्समैन है ना वो सबसे सेफेस्ट और सबसे कम वाली बिट एक्सेप्ट करता है, वो रिस्क लेता ही नहीं है। वही तो भाई मुझे याद है पिछली वीडियो में उसने आपको पता ना 2 लाख की जी वैगन उसने 50,000 में दे दी। हाँ, पागल बंदा नुकसान करवा रहा है। रेस आ रही है, आ जाओ चपाती भाई, रेस लगाते हैं। अभी मेरे को चेकआउट करना है कि तेरी गाड़ी मेरी फास्ट है या मेरी गाड़ी फास्ट है। वही तो भाई, मैं तो एक्सक्लूसिव वाली गाड़ी खरीदूंगा। और अगर गाइस आप मेरी टीम में है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, अगर आप चपाती भाई की टीम में तो हिट लाइक करो। तेरी ग्रैंड प्री चल रहा है भाई, रेडी हो जाओ चपाती भाई। लेकिन आई थिंक भाई सबसे फास्टेस्ट गाड़ी तो हमारे पास है। ओके, ये बंद, ये आगे जो जिसके पास लोटस है ना, तो इसको कम मत समझियो। ये वैसे भाई लोटस एकदम से तगड़ी गाड़ी है। और लेट्स गो, क्या स्पीड मैंने यहाँ पर पकड़ी। और भाई इस गाड़ी की हैंडलिंग कितनी ज्यादा मस्त है यार। सांप की तरह गाड़ी चला रहा भाई, मैं तो कैचअप नहीं कर पा रहा। रुक देखो भाई कैसे ड्रिफ्टिंग मार के मैं जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, तू तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है यार। पर पकड़ी भाई, लिटरली मेरी एवरेज स्पीड लिमिट है यहाँ पर 100 माइल्स पर आवर। बहुत ज्यादा तेज मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तेरी मैंने ठोक दिया। ओवर कर ले शो ऑफ। लेकिन फिर भी मैं अभी तक सबसे ज्यादा आगे मैं ही हूँ, मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक तू सबको लैप कर लेगा, तू इतना फास्ट जा रहा है, सबको लिटरली लैप कर लेगा। मेरी गाड़ी हर एक जगह पर ठोक रही है यार भाई, ऐसे ही चलता गया। ये देखो भाई एक सर जी, तो यहाँ पर आई थिंक इसकी गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुकी है, वो वहीं पर ही रुक चुका है ट्रैक के ऊपर। या तो उसने गेम छोड़ ली, उसने तेरी गाड़ी देख ली ना, वो बोलता है कि इतना कोई चांस ही नहीं है जीतने का। भाई मैं घर जा रहा हूँ, भाग जा, तो यहीं से मैं मोड़ लेता हूँ गाड़ी। यार ये लोटस वाला कुछ ज्यादा फास्ट गाड़ी भगा रहा है यार। चपाती भाई वैसे आप कौन सी पोजीशन में हो? मैं 3री पोजीशन पे आ चुका हूं, मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा ठुक रही है भाई साहब। आप तो यहाँ पर भाई नूबड़ों से भी हार रहे हो यहाँ पे। और ये देखो एक और बंदा भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। कहाँ पर है ये देखो, इसने भी पूरी गाड़ी पड़ ली। और वो देखो चपाती भाई जा रहे हैं सामने। और देयर वी गो, और मुझे $1.1 million मिले। वाह, रेस करने पर भाई, मुझे रेस जीतने पर मुझे $1 million मिले। लेट्स गो। तेरे को डायमंड कितने मिले ये बता भाई? मुझे डायमंड भी 30-40 डायमंड भी मुझे यहाँ पर साथ में मिले। और एक काम करते हैं, अभी रास्ते में चपाती बा का गैरेज भी आ रहा है, जरा मैं देखता हूँ आपके गैरेज के अंदर क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है आपके गैरेज के अंदर। मेरा काम थोड़ा बहुत ठप चल रहा है यार, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। अभी तक ये भाई नूबड़ी मर्सिडीज बेच रहे हो भाई, अपग्रेड करो अपग्रेड। आपके पास वैसे पैसा कितना है? मेरे पास है पैसा 4.4 मिलियन, और मैं रेस भी हार गया, सिर्फ 100 के मिले। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ठीक है लॉगिन सबसे नंबर 1 पर आ चुका है। नाइस, ओके आ जाओ। ओ माय गॉड, हमारा गैरेज एक बार फिर से यहाँ पर बन चुका है। और ये देखो बुगाटी मेरे सामने आ चुकी है भाई। ये कितने की बिकेगी पहली बुगाटी, वो भी व्हाइट कलर में? तो अगर मैं बुगाटी की प्राइस चेक करूं तो 700,000 तेरी भाई, अभी तेरे पास असली माल आ रहा है यहाँ पर। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, आई थिंक मैं यहाँ पर लिटरली गेम का सबसे richest बंदा भी यहाँ पर बन चुका हूँ भाई। तूने अभी 20 मिलियन खर्चने हो, तेरे पास 20 मिलियन एक ही बार में आने वाले हैं। वही तो ये तो होती है भाई बिजनेस स्कीम। और तेरी आप कहाँ से आ गए भाई? मैं चलो चलाती भाई, बिट लगाओ यहाँ पे। मैं नहीं लगाऊंगा भाई। अरे एक और बुगाटी आ चुकी है वहाँ पर, देखिए देखिए देखिए, ये एक और बुगाटी भी यहाँ पर आ चुकी है। और ओके इसकी प्राइस तो इतनी ज्यादा नहीं है, तो एक काम करते हैं ये 6 लाख वाली एक्सेप्ट कर। अभी मैं लॉगिन में तेरे को यही रिकमेंड करूंगा कि तू ना वो कन्वेयर बेल्ट वाला माल रखने वाला बंदा ले ले, क्योंकि अगर वो होगा ना तो तेरा कन्वेयर बेल्ट एकदम से फुल हो जाएगा। वही तो लेकिन उसकी प्राइस कितनी थी? उसकी प्राइस है 1250। अभी तेरे को 100 जेम्स और चाहिए, मैं तू गया भाई। अरे मेरे पास इसकी भी स्कीम है, तो चलो चपाती भाई गाड़ी में बैठो और मुझे सिर्फ चैलेंजेस करने हैं गेम के अंदर। तो यहाँ पर एक्चुअली एक टाइम ट्रायल वाला चैलेंज भी है, और अगर मैंने वो कर लिया तो मुझे इससे भी थोड़े बहुत जेम्स मिल जाएंगे। तो ये तेरे को बीट करनी है 2 मिनट और 20 सेकंड में। ओके लेट्स गो भाई, 2 मिनट 20 सेकंड क्या है भाई, मेरे पास इतनी तेज गाड़ी है कि मैं 2 मिनट में बीट कर लूंगा। कम ऑन, लेट्स गो। 2 मिनट तो कुछ ज्यादा ही टाइम देकर रखा है गेम वालों ने, इतनी तेज तो मैं पैदल करके आ सकता हूँ ये पूरी गेम। अरे सामने ड्रॉप भी गिरा हुआ है, मुझे वो भी उठाना है भाई, उससे भी मुझे जेम्स मिलेंगे। और देख रहे हो भाई कितने टाइम में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने 20 सेकंड में सिर्फ
ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा मैप कंप्लीट कर लिया और यहाँ से भी लो टर्न और अभी यहाँ पे ड्रॉप भी तू ले लेगा। 25 सेकंड में मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अरे यार ड्रॉप किसी और ने ले लिया, क्या बात कर रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है चपाती भाई आपने लिया। भाई मैंने लिया नहीं, मैं अपने गैरेज से हिला भी नहीं हूँ। मैं तेरे गैरेज के ऊपर देख के मैं हैरान हूँ कि तेरे पास बुगाटियां हो, तू लिटरली बुगाटियां तूने फार्म बना के रखा हुआ है यार। इनफिनिट मनी ग्लिच हमने यहाँ पर बना लिया। लोग क्रीपर फार्म बनाते हैं, तूने बुगाटी फार्म बना के रखा हुआ है। लेट्स गो। और तेरी भाई मैंने फिर से गाड़ी ठोक ली, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ चपाती भाई एकदम फुल स्पीड में आ रहा हूँ। लेकिन तेरे को अभी भी नजर रखना भाई बुगाटियों के ऊपर, नजर रखना कोई चोरी ना कर ले। तेरे को अभी भी 100 वो चाहिए एमराल्ड्स, क्या कहते हैं उसको, भाई मुझे डायमंड अभी तक यहाँ पर चाहिए। तेरे को पता यहाँ पर ना एक डेजर्ट वाला आइलैंड बना हुआ है, वहाँ पर तू ना करतब दिखा सकता है, चलते हैं वहाँ पर। ये चलो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बहुत मटेरियल भी यहाँ पर रख लेता हूँ अपने सुपर कार वाले कन्वेयर के अंदर, और सीधा बैठो अपनी गाड़ी के अंदर। ये देखो सामने मेरे चपाती भाई जा रहे हैं, अभी देखो कैसे ओवरटेक करूंगा। लेट्स गो। ये होने नहीं दूंगा। कम ऑन भाई मैं कितना तेज यहाँ पे जा रहा हूँ। और ओ तेरी भाई देखा मैंने क्या जंप मारी। इसको जंप मारना नहीं बोलते मेरे भाई, इसको बोलते तूने गाड़ी ठोक दी यहाँ पर। अरे ये देखो ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये देखो भाई यहाँ पर मेगा रैंप बना हुआ है। मारियो मारियो इसके अंदर, मारियो गाड़ी मारियो। एक काम करते हैं भाई, अभी हम अपनी सुपर फास्ट बुगाटी लेकर जाएंगे सीधा उस आग वाली रिंग्स के अंदर से। आई थिंक तो यहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड लाइक फुली चेक आउट कर सकता है, क्योंकि ये लैप बना हुआ है यहाँ पर। सीधा अंदर बैक फ्लिप मार के देखा, ये कैसे गाड़ी लेके जा रहा है भाई तू। ओह माय गॉड यहाँ पे कितना बड़ा मेगा रैंप बना हुआ है। कहाँ पर है ये, देखिए देखिए मेरे सामने। आप कहाँ पर हो भाई, मेरे तेरे पीछे। मैं स्क्रॉल आउट करता हूँ भाई, आप कहाँ चले गए। हेलो, ये पीछे, ये देख कितना बड़ा ये। आ जाओ एक काम करते हैं, गाड़ी का मुंह मैं यहाँ पर मोड़ता हूँ। चपाती भाई वहीं पर ही वेट करना भाई, आप मार्कर पॉइंट हो। देख रहे हो भाई मेरी गाड़ी 300 तक यहाँ पर तो पहुंच ही चुकी है भाई, 300 miles per hour। भाई मैं सड़क के बीच में खड़ा हूँ, जैसे तूने मेरे को देखा ना तो वैसे टर्न ले लियो, ठीक है। ओके ये रहे चपाती भाई, और ये रहा अपना मेगा रैंप। और भाई सब कितना दूर गया। और अगर बुगाटी इसकी तरफ देखे तो तेरी कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर। तेरे को कन्वेयर बेल्ट के ऊपर माल भी रखना होता है, ठीक है ना। वही तो भाई, आई थिंक अभी मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे कहीं ना कहीं से जेम्स का बंदोबस्त करके ये वाली आइटम यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ओके गाइस, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अभी मेरे पास यहाँ पर इनफ जेम्स भी आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ पर खरीदेंगे इस बिल्डिंग के अंदर हमारा नया रीस्टॉकर। और लेट्स गो, सीधा मैंने यहाँ पर खरीद लिया है। और ये रहा भाई अपना बंदा, एक्चुअली यहाँ पर काम कर रहा है, और देख रहे हो भाई एक ही बार में साथ लगा दिया उसने। आज भाई हम देखते हैं एक ही बार, तेरी भाई साहब एक ही बार में इसने 15 आइटम्स लगा ली, कितना तेज है भाई ये। हमको अपना स्लॉट अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो ये मिडिल वाला ऑप्शन है, हमें तो चाहिए भी नहीं। और तेरी भाई ये वाली बिल्डिंग में तो हमने अपग्रेड की ही नहीं है भाई, इसको रहने दे। मेरे को ये जानना है कि अगर तू कार डीलरशिप से गाड़ी लेगा तो क्या होगा। वो ये आ जाओ भाई ट्राई करते हैं। और ये रही गाइस हमारी कार डीलरशिप, तो यहाँ से गाइस हम भी एकदम से मस्त वाली गाड़ी खरीदने वाले हैं। और मेरा बजट है यहाँ पर $100 million, तो अभी मुझे यहाँ पर जानना है कि $100 million में अपनी गाड़ी कौन सी हम यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं। 1 trillion की गाड़ी, बिलियन की आ चुकी है भाई, ये तो 7.8 million का है भाई। ये एक काम करते हैं, हम खरीदेंगे और ये यूज करके हम चपाती बा का गैरेज तोड़ेंगे। पहले मुझे घर पे जाना है, अगर मैं ये वाला ऑप्शन खोल के इसके ऊपर क्लिक करूं, ओ भाई साहब अभी मेरी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, और कितना तेज जा रहा है भाई। मैं व्हाट अपनी गाड़ियां भेज देता हूं भाई। कमॉन भाई मैं तो जाऊंगा महंगी गाड़ियों के, मेरे को देखो नूबड़ों को भाई अभी ये वाली गाड़ियां बेच के देखा। और ये लो तेरी भाई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा भाई, उसके अंदर से निकल गया। मैंने एक ही बार में सारी गाड़ियां बेच दी, वो भी सस्ते भाव में यार। यार मुझे लगा भाई मैं चपाती भाई का मोटा नुकसान करवाऊंगा, लेकिन मैं खुद मेरा नुकसान हो गया। मजा आया तूने 7 मिलियन का कचरा लेके रखा हुआ यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, एक काम करते हैं फिर से चलते हैं और मैं और कुछ खरीद के लेकर आता हूँ। ओ भाई साहब ये देखो भाई टैंक वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। मैं नहीं मानता यार। भाई काम करते, चलो टैंक ही खरीद लेते हैं यहाँ पे। अभी चपाती भाई रेडी हो जाओ, अभी मैं आ रहा हूँ। बार बार मेरे को क्यों रेडी कर रहा भाई तू। यहाँ से मैं थोड़े बहुत पैसे भी उठा लेता हूँ। और ये देखो भाई हमारी बुगाटीज भी रेडी हो चुकी है, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मिलिट्री सेक्शन के अंदर, यहाँ पर मैं स्पॉन करूँ अपना टैंक। ओ हमारा टैंक भी यहाँ पर आ चुका है। चपाती भाई कितने हो भाई, अभी मैं आ रहा हूँ। चल भी नहीं रहा तेरा टैंक। अरे चल तो रहा भाई, भाई मैंने पहली बार ऐसा टैंक देखा जो 60 miles per hour पर जा रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट है। अभी मेरे गैरेज के पास मत आइए, अच्छा चलता ही नहीं है भाई टैंक, यहाँ पर चलता ही नहीं है। मैं फिर से यहाँ पर चूना मुझे लग गया, और अभी मुझे जल्दी से यहाँ पर जाना है और इसको करो बाय। और वो ये क्या आ चुका है भाई यहाँ पे, एक मिनट जरा मुझे जानना है कि इसके अंदर कौन सी, पूरे ट्रक निकल रहे हैं, ट्रक बन रहे। तेरे को अभी खतरनाक चूना लगा दिया इन लोगों ने, 900,000 का ट्रक क्या, 900,000 का ट्रक होता है भाई। एक ट्रक जरा बना के देखते हैं, ये पागल बना रहे तेरे को। ओके अभी भाई यहाँ पर अगला कन्वेयर कितने का, 70
$79 million इसमें और ट्रक बनेंगे भाई, इसमें रॉकेट बनेंगे भाई, मुझे एक्चुअली वो वाला भी खरीदना है। अपने सब्सक्राइबर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कैसे हो? और हमारा ट्रक अभी यहाँ पर एकदम से रेडी हो चुका है। तो कन्वेयर के ऊपर तो यहाँ पर 900K लिखा था, लेकिन ये सर जी कितने की बिड लगाएंगे? इधर का ट्रक के अंदर घुस गया क्या? वो चेक कर रहा है भाई, ट्रक की परफॉर्मेंस चेक कर रहा है अंदर से। अंदर घुस के परफॉर्मेंस कौन चेक कर रहा है भाई? पहले मेरे को ये बताएं अभी ये कितना टाइम लगा रहा है। ओके, अभी यहाँ पर बिड आ चुकी है और भाई $1.4 million भाई, ये तो बुगाटी से ये कौन सी गाड़ी है? ये देखो भाई, मैंने यहाँ पर भी अपग्रेड करके रखी है। अच्छा, इससे महंगा तो ट्रक बिक रहा है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर गेम का सबसे रिचेस्ट बंदा यहाँ पर बन चुका हूँ। तो गाइस, अगर आपको ये छोटी सी सीरीज पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।